अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। रुबीना हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको ज़बरदस्त सा ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ, ये आपकी स्किन के हवाले से है और उम्मीद करती हूँ कि ये जो नुस्खा है मेरा जल्दी और फौरी असर करने वाला नुस्खा पहले आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा, तो आपने इस नुस्खे से फ़ायदा ज़रूर उठाना है और अपनी स्किन के हवाले से ज़रूर सोचना है, क्योंकि स्किन आपका जो चेहरा है खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। तो इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आजकल देखिए सर्दियों का सीज़न है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा हर नुस्खा सीज़न के मुताबिक होता है। ये इसलिए बता रही हूँ कि आजकल बहुत रिक्वेस्ट आ रही हैं कि उनके फेस के बारे में बताया जाए। बारिशें हो नहीं रही पंजाब के एरियाज में, तो जिनकी वजह से लोगों की स्किन ड्राई हो रही है, जो ऑयली स्किन थी वो भी इस सीज़न के बारिशें ना होने की वजह से बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, तो उनके हवाले से उनके फेस पे सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ रहे हैं, खुश्की सर में भी हो रही है और आपके फेस पे भी खुश्की जो है वाजह तौर पर देखी जा सकती है। बहुत खुश्क स्किन हो गई है आपकी, तो इस हवाले से मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा नुस्खा लाई हूँ आपके। आपने इसे इस्तेमाल करना होगा, उसके बाद जो है देखिएगा आपकी स्किन किस तरह से फ्रेश और नरमो मुलायम और बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएगी। ये बहुत ही आजमूदा नुस्खा है, उसके लिए आपने क्या करना है? जी हाँ दोस्तों, तो उसके लिए आपने क्या करना है, बिल्कुल महंगा नुस्खा नहीं है। तीन चीज़ें हैं जो आपने अपने फेस पे लगानी है, उसके बाद आपकी स्किन के तमाम मसाइल बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो एक जो है आपका जो है जैतून का तेल आधी स्पून, ये जो है आधी स्पून आपने लेनी है जैतून का तेल की, और दूसरा आपने लेना है आधी स्पून आपने क्या बादाम का तेल, और आपने आधा लेमन लेना है। इन दोनों तेलों में आपने आधा लेमन शामिल करना है और रात को सोने से पहले अपने फेस पे लगाना है, और आप इसे दिन में भी लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ही ड्राई है तो उसे आप जल्दी से ही बनाना चाहती हैं, नरम मुलायम करना चाहती हैं, तो उसके लिए आप देर रात के मुकाबले में आप दिन में भी इस्तेमाल कर सकती हैं, तो और भी फ़ायदा है। और अगर जिनकी स्किन थोड़ी ड्राई है तो उसके लिए आपने सिर्फ रात को ये तीन चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं, और आपने आधा घंटे बिल्कुल आपने अच्छी तरह से 10 मिनट तक मालिश करनी है और आधा घंटे के लिए आपने छोड़ देना है। उसके बाद जो है आप चाहे उसी वक्त मुँह धो सकती हैं या आप सुबह मुँह धो सकती हैं, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है, ना ही कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट है कि आप ना चेहरा धोएं तो आपको कुछ नुकसान हो जाए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो ये देसी नुस्खे हैं, इनसे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते और ना ही इनमें कोई केमिकल मौजूद होते हैं। तो ये नुस्खा था स्किन जो है वो नरम मुलायम करने के हवाले से आपने इसे लाजमी ट्राई करना है, और दोस्तों को बिल्कुल शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और ऐसे ही मज़ीद नुस्खे मैं आपके लिए लाती रहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।